हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, सेट्स। एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टाइप ऑफ सेट्स एंड सबसेट आल्सो। सबसेट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने वहाँ पर टू टाइप के सिंबल की बात किया था, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, एंड सबसेट एंड नॉट सबसेट। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। तो आज हम पढ़ेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट पढ़ेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, और उसके बाद में कुछ हमारे सेट के जो ऑपरेशंस है, मीन्स जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वैसे ही सेट्स के बीच में जो ऑपरेशन है वो है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं पावर सेट। तो पहले देखते हैं पावर सेट होता क्या है। सो पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट अपने आप में किसी सेट के सबसेट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक सपोज ए इज द सेट विद द एलिमेंट 1, 2 एंड 3। तो ये तो है हमारे पास में सेट। अब इस सेट के अब हम लिखेंगे यहाँ पर सबसेट। तो अब हम यहाँ पर जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबको लिख देते हैं। तो सबसेट लिखना हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी सीखा था कि हम किस तरह से सबसेट बनते हैं। ओके, सबसेट का मतलब होता है कि इस सेट से बने हुए अदर सेट, इस सेट के एलिमेंट से बने हुए अदर सेट। तो सबसेट में सबसे पहला काउंट होगा 5 जीरो एलिमेंट के साथ में, उसके बाद काउंट करेंगे हम अकेले 1, 2, देन केवल 2 आएगा, ओनली 3, 1 एंड 2 बोथ, 2 एंड 3, 1 एंड 3, और लास्ट में बन जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ये सारे के सारे माने जाते हैं इसके सबसेट। तो ये सब के सब इसके सबसेट माने जाएंगे। और अगर इन सबसेट को मैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, मतलब इन सबसेट को जब मैं एलिमेंट बना दूंगा तो उसे कहूंगा मैं पावर सेट। तो अगर इन सब के बाहर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, 5, ओनली 1, Only 2, then only 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, and last 1, 2, 3। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसको बोला जाएगा पावर सेट। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। सो पावर सेट सिंपल मीनिंग में अगर समझे कि पावर सेट होता क्या है, तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ओके, सो जो पावर सेट है वो कलेक्शन है सबसेट्स का। जितने भी हमारे पास किसी एक सेट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास सबसेट बन सकते हैं, वो सारे सबसेट को ये एलिमेंट बनाकर काम में लेता है। और जब ये सारे सबसेट एलिमेंट बन जाते हैं तो इस कलेक्शन को ही बोला जाता है इसका पावर सेट। तो सबसे पहला स्टेज है सेट, उसके बाद में सबसेट, और उसके ऊपर है हमारे पास में पावर सेट। तो ये हमारे पास में 3 स्टेजेस है। पहला सेट प्रिपेयर करना। सेट ऑलरेडी है कि हमारे नंबर्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम सेट कहेंगे। उन एलिमेंट से बनने वाले डिफरेंट तरीके के जो अलग अलग सेट है उनको बोला जाता है सबसेट। और जब वो सारे सबसेट एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाते हैं, मतलब जब वो सारे एलिमेंट बन जाते हैं, तो उससे बन जाता है हमारे पास में पावर सेट। तो पावर सेट के साथ में जो हमारे पास में सिंबल हम काम में लेते थे, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, और सबसेट और नॉट सबसेट, तो उनके लिए हम एक बार फिर से पावर सेट के साथ में सिंबल के बारे में पढ़ते हैं कि अब हम इसके सिंबल को किस तरह से यूज में लेंगे। तो पावर सेट लिखना मैंने सिखाया अभी, और साथ के साथ पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी भी हम काउंटिंग पढ़ लेते हैं। ओके, जैसे एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मान लो कि एक सेट है और सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से। देन फर्स्ट वी हैव टू राइट नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा था 2 to the power n। तो 2 to the power n एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर सकते हैं। और जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे वही तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं।
अगर मान लो सबसेट के नंबर हो गए 8 सबसेट बने, तो वो 8 सबसेट जो बनेंगे वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएंगे, मतलब वो अपने आप को एलिमेंट बना लेंगे। और फिर पावर सेट के जो एलिमेंट है उसको भी हमें 8 ही काउंट करना पड़ेगा, मतलब जो फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट का है वही फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का है। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट That is also equal to 2 to the power n. So, जो formula number of subset का होता है, वही formula number of element in power set का होता है। तो power set के अंदर कितने element होते हैं? उतने ही होते हैं जितने subset होते हैं। जितने subset बन गए, वो सारे के सारे element power set के अंदर माने जाएंगे with curly bracket. Okay? तो अब हम power set के साथ में ये जो हमारे symbols थे, उनको हम use में लेना एक बार फिर से सीखते हैं। Like suppose कि A हमारे पास set है जिसके element है 1, 2 and 3, और अब हमें ये कुछ symbol जो है उसे काम में लेना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन सब के बीच में अब हमें जो भी अप्रोप्रिएट सिंबल होगा उसको यूज में लेना है। हमें सिंबल यूज में लेना है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट एंड नॉट सबसेट। ओके, सो ए हमारे पास सेट है जिसके अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। और सबसे पहले हमें 1 और A के बीच में सिंबल काम में लेना है। 1 इंडिविजुअल है, इसके ऊपर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब 1 एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है, मतलब इसके बीच में या तो सिंबल होगा बिलोंग्स टू या फिर होगा नॉट बिलोंग्स टू। 1 क्योंकि A के अंदर मौजूद है इसलिए 1 के लिए यहाँ पर लगाना होगा बिलोंग्स टू। ओके, देन अगर हम 1 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो अब ये एलिमेंट काउंट नहीं होगा, इसे बोला जाएगा एक सेट, ये भी है एक सेट। तो दो सेट के बीच में हम सिंबल ये दोनों काम में लेते हैं, या तो सबसेट या फिर नॉट सबसेट। तो ये एक एलिमेंट था, लेकिन एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाते ही अब ये बन गया हमारे पास में एक सेट। तो ये सेट है, ये भी सेट है, और इस ये जो एलिमेंट है 1 वो एक के अंदर हमें आसानी से मिल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ यूज में लेना होगा सबसेट। 1 एक सेट है, पावर सेट ए के बीच में अब हमें सिंबल काम में लेना है, क्योंकि इसके जब हम सबसेट बनाएंगे तो सबसेट में सबसे पहला एलिमेंट आएगा 5, उसके बाद में इसका सबसेट बनेगा अकेला 1, देन 2, देन 3। तो अकेला जो 1 है वो एक सबसेट है ए का, और सबसेट को पावर सेट एलिमेंट बनाकर काम में लेता है, मतलब ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल काम में लेंगे, क्योंकि ये फिलहाल एक एलिमेंट का काम करने लगेगा राइट हैंड साइड के रेस्पेक्ट में। जब मैंने ए के साथ इसको ऑब्जर्व किया था तब तक ये एक इंडिविजुअल सेट माना गया था और ये सबसेट का काम कर रहा था, लेकिन जो सबसेट है वो पावर सेट के लिए तो केवल और केवल एक एलिमेंट है, एलिमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है वो। तो ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट और सेट के बीच में जब हमें सिंबल काम में लेना होगा तो वो बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू होगा। देन 5 और A की अगर हम बात करें तो 5 एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके बाहर कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है, और 5 A के अंदर क्योंकि नहीं आ रहा इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब 5 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो 5 अपने आप में एक सेट माना जाएगा, A अपने आप में दूसरा सेट है, और अगर मैं इसका एलिमेंट को इसके एलिमेंट के अंदर देखूंगा तो 5 मुझे A के अंदर नहीं मिलेगा, और नहीं मिला इसका मतलब मुझे यहाँ पर यूज में लेना होगा नॉट सबसेट, क्योंकि ये भी सेट, तो दो सेट के बीच में सिंबल या तो सबसेट लगेगा या फिर नॉट सबसेट, क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं आया इसलिए नॉट सबसेट लगेगा। देन 5 एक सबसेट है,
सबसेट के थ्रू अगर आया है तो पावर सेट के लिए तो ये एक एलिमेंट का काम करेगा, और ये एलिमेंट पावर सेट के जो हमारे पास में इसके सबसेट बनेंगे उसके अंदर काउंट नहीं होगा, इसे यहाँ पर हम काम में लेंगे नॉट बिलोंग्स टू। देन फाइल, फाइल बिना ब्रैकेट के ही अपने आप में एक सेट माना जाता है, इसे कहा जाता है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वर्ड सेट। तो फाइल जो है वो हर एक का सबसेट होता है, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी बता भी दिया था। फाइल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइल जो है वो हर सेट का सबसेट है, इसलिए फाइल के लिए हम यहाँ पर सबसेट का सिंबल काम में लेंगे। सो फाइल इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन अगर मैं यहाँ पर सिंबल की बात करूँगा तो फाइल सबसेट है, तो सबसेट है तो पावर सेट के अंदर तो ये एक एलिमेंट का काम करने लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम बिलोंग्स टू का सिंबल काम में लेंगे। ओके, देन 1, 2 और ए, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, और इसके दोनों एलिमेंट ए के अंदर हमें आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए अब हमें यहाँ पर सिंबल काम में लेना होगा सबसेट। ये सबसेट था लेकिन पावर सेट के अंदर ये एलिमेंट बनेगा, इसलिए यहाँ पर सिंबल काम में लेंगे बिलोंग्स टू। 1, 3, तो 1 और 3 ये दोनों के दोनों एलिमेंट पावर सेट के अंदर, याद रखना इधर पावर सेट है, ये 1, 3 हमारे पास, इसके जब हम सबसेट प्रिपेयर करेंगे तो उस सबसेट के अंदर दो दो के एलिमेंट वाला जो सेट बनाएंगे वो बनाएंगे 1, 2, 2, 3 और 1, 3। तो 1, 3 एक तरह से सबसेट है लेकिन पावर सेट के लिए जो सबसेट होता है वो एलिमेंट बन जाता है, इसे यहाँ पर हम काम में लेंगे बिलोंग्स टू। ओके, देन ए और ए के बीच में हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट माना जाता है, तो अपने आप का सबसेट माना जाता है तो यहाँ पर हम सबसेट भी लगा सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है जैसे हम इक्वल भी लगा देंगे, तो सबसेट और इक्वल टू ई। ओके, यहाँ पर ओनली हम इक्वल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। लास्ट हम ए और पावर सेट की बात करेंगे, तो ये जो पूरा ए है ये एक तरह से जब मैं इसका सबसेट प्रिपेयर करूँगा तो सबसेट में आएगा 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और लास्ट में मुझे ए को लिखना होगा 1, 2, 3, मतलब खुद ए को भी लिखना पड़ेगा। तो ए जो है इसके सबसेट में काउंट होगा और सबसेट वाला पावर सेट के अंदर एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम सिंबल काम में लेंगे बिलोंग्स टू। तो ये बात हो गई हमारे पास में सबसेट और जो हमारे पास बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का जो सिंबल है उसे हमने काम में लिया, और वो काम में लिया हमने पावर सेट के थ्रू। तो पावर सेट क्या बताया था, पावर सेट बताया था कि हमारे पास सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबको जो एलिमेंट बनाकर काम में लेता है उसे बोलते हैं हम पावर सेट। ओके, नेक्स्ट हमने एक छोटा सा नाम लिया था सुपर सेट, उसके बारे में देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में हमारे पास सुपर सेट है नहीं लेकिन फिर भी हल्का सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर मान लो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर जरूर मिल जाएंगे, भले ही बी के पास थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट हो लेकिन ए के तो सारे एलिमेंट बी कंटेन करके रखेगा। जैसे मान लो कि ए के पास हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, तो बी के पास नेसेसरी है 1 और 2 का आना, तो इस केस में बोला जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर इसको अपोजिट सेंस से पढ़ा जाएगा तो उसको बोला जाएगा बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ओके, सो ए बी के लिए एक सबसेट का काम कर रहा है लेकिन बी ए के लिए सुपर सेट का काम कर रहा है, तो इसमें ए तो है सबसेट और बी है सुपर सेट ऑफ ए। ओके, तो ये सुपर सेट का जो मैंने नाम लिया था उसके बारे में बताया कि सबसेट और जो सुपर सेट होता है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके, अगर पहला वाला दूसरे का सबसेट है तो दूसरा वाला पहले का एक तरह से सुपर सेट माना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे जो सेट के ऑपरेशंस हैं उनके बारे में, और सेट के जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन और एक डिफरेंस। ओके, यूनियन का सिंबल हमारा इस तरह से होगा यू शेप का, इंटरसेक्शन होगा इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट मिरर इमेज कह सकते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सो ये वाला सिंबल होगा इंटरसेक्शन के लिए, डिफरेंस का वही ऑर्डिनरी सिंबल जो कि हम माइनस के लिए काम में लेते हैं। ओके, सो अब इनका मतलब समझाते हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। इसमें सबसे पहला
इंटरसेक्शन को समझना सबसे आसान होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल कॉमन एलिमेंट, केवल कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी हमारे पास सेकंड सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 7 4 9 एंड 3 8। तो ये हमारे पास ए और बी दोनों सेट ऑलरेडी है, और अब हमें यहाँ पर ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन यूज में लेकर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है, देन ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, और लास्ट बी माइनस ए को फाइंड आउट करना है। ओके सो अगर हम इन सबको फाइंड आउट करें तो सबसे पहला है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल और केवल कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों सेट के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से एलिमेंट है जो ए के अंदर भी मौजूद है और वो बी के अंदर भी मौजूद है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम लिखेंगे। तो वन एक कॉमन एलिमेंट की तरह है जो ए सेट के अंदर भी आ रहा है और बी सेट के अंदर भी आ रहा है, तो ये कॉमन एलिमेंट है। देन टू एक और कॉमन एलिमेंट है, तो अगला कॉमन एलिमेंट हो जाएगा टू, और नेक्स्ट जो हमारा कॉमन एलिमेंट है वो है फोर। उसके अलावा एक भी एलिमेंट इन दोनों में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास ये तीन एलिमेंट है जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन है, और इसको लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी में। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल और केवल कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो ए सेट के अंदर भी आ रहे हैं और जो बी सेट के अंदर भी आ रहा है उसको बोला जाएगा कॉमन एलिमेंट, और वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। देन उसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है इसमें कॉमन भी आएगा और जो एक्स्ट्रा है वो भी आएगा। तो यूनियन में कॉमन एलिमेंट तो लिखना ही है, जो जो हमने कॉमन एलिमेंट लिखा था वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो बच गया ए के अंदर भी और बी के अंदर भी उन सबको भी लिखना है। मतलब ए यूनियन बी कंटेन करेगा हर उस एलिमेंट को जो या तो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है। तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखा जाए तो इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ए एंड बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ए एंड बी। ओके सो अगर ए और बी दोनों के अंदर आना नेसेसरी है किसी एलिमेंट का, तो वो इंटरसेक्शन में है। और यूनियन का मतलब है हर वो एलिमेंट जो या तो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर है वो सब कुछ कंटेन करेगा। तो इंटरसेक्शन को तो कंटेन करेगा ही, और बाकी एक्स्ट्रा में ए के पास है 3 और एक्स्ट्रा में जो बी के पास है वो है 7 8 और 9। तो ये आएगा ए यूनियन बी का सॉल्यूशन। और ए यूनियन बी को हम स्टेटमेंट में लिखें तो इसे लिखते हैं ए और बी। तो इंटरसेक्शन का वो हम ए एंड बी से भी शो करते हैं, और यूनियन को हम ए और बी से भी शो करते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास तो इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक। इंटरसेक्शन का मतलब केवल कॉमन लिखना है, और यूनियन का मतलब कॉमन भी लिख दो और कॉमन आने के बाद जो बच गए उनको भी लिख दो। ऐसा नहीं कि यहाँ वन को भी दो दो बार लिख देंगे, ऐसा नहीं है। हर एलिमेंट एक ही बार काउंट होता है किसी भी सेट के अंदर, कभी भी किसी भी एलिमेंट को दो दो बार कभी भी हम एक सेट के अंदर शो नहीं कर सकते। ओके सो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए में से बी का सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? ए में से बी के सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए में से उन एलिमेंट को हटा दो जो बी के अंदर भी मौजूद है। ए के सारे एलिमेंट को हटाने की बात नहीं कर रहा मैं, ए के उन एलिमेंट को हटा देंगे जो बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो ए का ये वन एलिमेंट बी के अंदर भी है, हट जाएगा यहाँ से। तो ए का ये वाला एलिमेंट हट गया, ए का ये वाला एलिमेंट भी बी के अंदर है ये भी हट गया, ए का ये वाला एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो ये नहीं हटेगा, ए का ये जो एलिमेंट है ये भी बी के अंदर है इसे भी हटा देंगे। और फाइनली अब ए माइनस बी का जो एक तरह से आंसर बचेगा वो बचेगा केवल और केवल 3। तो 3 एक सिंगल एलिमेंट है जो कि ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट को जब हम हटा देंगे, ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को जब हम हटा देंगे और ए के बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे तो वो होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, कि जो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी है, जो इन दोनों का कॉमन है, कॉमन एलिमेंट को हम ए में से हटा देंगे। तो ए में से अगर इसके कॉमन एलिमेंट हट जाए, जैसे 1 2 3 4 में से 1 2 और 4 को अगर हम हटा दें तो अकेला 3 बचेगा और वो काउंट होगा ए माइनस बी में। तो ये ए माइनस बी है। अब बी माइनस ए काउंट करते हैं, तो बी माइनस ए का मतलब है बी में से हम उन सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे जो हमें ए के अंदर भी दिख रहे हैं। तो ये बी है, बी के अंदर से वो एलिमेंट हटा दो जो ए के अंदर भी मौजूद है, जैसे 1 है 2 है और 4 है, ये 3 एलिमेंट हमारे ए के अंदर भी है, इसलिए ये 3 एलिमेंट हट जाएंगे और अब जो हमारे बी के अंदर एलिमेंट बचे हुए वह 7 8 और 9। तो ए माइनस बी का मतलब है ए में से एलिमेंट को हटा देना, लेकिन उन एलिमेंट को हटाओगे जो बी के अंदर भी आ गए हैं, और बी माइनस ए का मतलब बी में से एलिमेंट को हटाएंगे, उन एलिमेंट को हटाएंगे जो ए के अंदर भी आ गए हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास में यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ओके, अब इसके साथ ही हम एक और चीज काउंट करेंगे, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। सो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, जैसे मान लो कि हमारे पास लेकिन कॉम्प्लीमेंट से पहले जरूरी है हमारे पास में यूनिवर्सल सेट। तो एक बार हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम यूनियन इंटरसेक्शन पर दोबारा आएंगे और साथ में पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। तो अभी देखते हैं हम यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो कि ए हमारे पास है, या फिर यू इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10, 1 2 3, बी इज अनदर सेट 1 5 7, सी इज द थर्ड सेट 2 3 9 एंड 5, डी इज अनदर सेट 3 4 7 8। ओके, सो ये जो U है, ये U एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं, B के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं, C के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं और D के भी सारे एलिमेंट मौजूद हैं। इसलिए इस अकेले को बोला जाएगा दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ A B C एंड D। तो A B C D जो हमारे पास चार सेट हमने अलग अलग बनाए, उन सबके एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो सिंगल सेट होगा उसको बोला जाएगा उन सब के लिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए मैं ये कह सकता हूँ, ये जितने भी सेट यूनिवर्सल से तैयार हुए हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सल के लिए सबसेट का काम करेंगे एक तरह से। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, बी इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, सी इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल एंड डी इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल क्या है? एक बहुत बड़ा सेट है, एक बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी के जितने भी सेट हैं उन सबके एलिमेंट मौजूद हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये यूनिवर्सल सबके लिए सिंगल की तरह काम करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल बदल जाता है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी जो चार सेट होते हैं उसके अंदर नंबर की बजाय अगर कुछ लेटर्स आ जाते तो यूनिवर्सल भी लेटर वाला यहाँ सेट बन जाता, और एक ऐसा सेट होता जिसमें ए बी सी डी या जितने भी सेट बने हुए हैं उन सब के एलिमेंट उस अकेले के अंदर आराम से मौजूद होंगे, तो उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। और अब हम यूनिवर्सल और इस क्वेश्चन के थ्रू एक दो चीज़ों को और पढ़ रहे हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उनको तो हम इसके साथ करेंगे और साथ में इसी क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी समझाऊंगा। तो अभी हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल और केवल कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि ए और बी के अंदर आने वाले केवल कॉमन एलिमेंट। तो अगर हम ए और बी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो केवल एक कॉमन एलिमेंट है, वो है केवल और केवल 1। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्यूशन होगा 1। अब सेकंड, जैसे ये फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि पहले ए और बी का फाइंड आउट किया जाएगा यूनियन, और जो आंसर बनेगा उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे सी के साथ में। तो पहले ए यूनियन बी यानी ए और बी का यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब होता है उनके अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट भी
और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट तो है 1 और एक्स्ट्रा एलिमेंट इस तरफ से है 2, 3, इस तरफ से है 5, 7। तो ए यूनियन बी बनेगा 1, 2, 3, 5 एंड 7। इसको किसी भी ऑर्डर में किसी भी सीक्वेंस में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके अभी इंटरसेक्शन करना बाकी है सी के साथ में और सी हमारा साइट है 2, 3, 9 और 5। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो अब हमें इन दोनों के अंदर कॉमन ढूंढने पड़ेंगे। तो कॉमन आ जाएगा 2, 3, 5 और यहाँ पर भी है 2, 3, 5। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 2, 3 एंड 5। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें फाइंड आउट करना था ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी मैंने यहाँ फाइंड आउट किया, इंटरसेक्शन अभी सी के साथ बाकी है तो इंटरसेक्शन का सिंबल लगाकर मैंने सी को भी लिख दिया। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हमें लिखना है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जर्व करें कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो कॉमन एलिमेंट है 2, 3, 5, इधर भी है 2, 3, 5, तो वह आ जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। ओके अब इसी के साथ में हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए के जो एलिमेंट है उनको हटा दें तो बाकी बचे हुए एलिमेंट हमारे काउंट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, जिनमें से हम ए के नंबर्स को हटा देंगे तो वो बन जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम काउंट करेंगे यूनिवर्सल में से 1, 2, 3 हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यह आ जाएगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें इसी तरह से मान लो कि सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो सी के कॉम्प्लीमेंट का भी वही मतलब है कि पूरी यूनिवर्सल में से सी के जो एलिमेंट है उनको हटा दो और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट है उनको हम लिख देंगे। तो पूरे यूनिवर्सल में से अगर हम 2, 3, 9 और 5 को हटा दें तो हमारे पास बचता है 1, 4, 6, 7, 8 एंड 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास में सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और साथ में कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम इन सब की एक साथ ही बात करेंगे। जैसे मान लो कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास अप टू 10, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, भी दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7, 8 और सी हमारे पास में 9, 9। ओके और डी हमारा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 9। ओके अब हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है पहले मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब उसके बाद उन दोनों के बीच में हम कॉमन एलिमेंट लेंगे। तो पहले तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी भी समझाया था कि पूरी यूनिवर्सल में से अगर हम ए के सारे एलिमेंट को हटा दें और बाकी बचे हुए एलिमेंट को लिख दें तो उसे कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से बनेगा, इसमें से 1, 2, 3, 4 को हटा देंगे तो बचेगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अभी बीच में इंटरसेक्शन है और अब हम लिखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरी यूनिवर्सल में से बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हटा देंगे और बाकी के बचे हुए एलिमेंट को लिख देंगे। तो 5, 6, 7, 8 को हटाएं तो बचता है 1, 2, 3, 4 एंड 9, 10। और अब हमें इन दोनों के बीच में लेना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में आने वाले कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो इन दोनों के बीच में कॉमन केवल दो ही एलिमेंट है, एक है 9 और दूसरा 10। तो यहाँ पर बन जाएगा 9, 10। तो यह आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन। ओके देन एक और बात करते हैं हम, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि पहले ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकाला जाएगा और उस इंटरसेक्शन का सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन निकालेंगे। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ, तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों के बीच में आने वाले कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी के बीच में अगर कॉमन एलिमेंट देखूँ तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है तो मुझे केवल
फाइव से ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दो सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट और वो सॉल्यूशन एक सेट होना चाहिए। तो ये अगर खाली सेट है तो उसको फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक एम्प्टी सेट होगा। ओके, अभी हमें यूनियन करना है और किसके साथ करना है, सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो एक बार सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरी यूनिवर्सल में से सी के एलिमेंट को हटा दो। तो पूरी यूनिवर्सल में 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, उनमें से अगर सी के दोनों एलिमेंट को हटा दें तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और अभी हम इन दोनों के बीच में यूनियन काउंट करेंगे, और यूनियन का मतलब होता है कॉमन भी और एक्स्ट्रा भी। तो इन दोनों के बीच में कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, इसलिए ये सारे एलिमेंट यहाँ पर काउंट होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन। तो इस लेक्चर में आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था पहले तो पावर सेट, उसके बाद हमने किया एक छोटा सा टॉपिक सुपर सेट, उसके बाद में हमने यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम वेन डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो वेन डायग्राम और इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस जो है इनका डायरेक्ट रिलेशन है, और वेन डायग्राम बहुत खास खास भी है, क्योंकि 11th और 12th में जब हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी के भी कई सारे फॉर्मूलाज बनाने में हमें वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इससे वेन डायग्राम का जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस लेक्चर में जो मैंने समझाया यूनियन इंटरसेक्शन उसे बहुत अच्छे से समझना, नहीं हो एक बार फिर से पीछे जाना, एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से समझना कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। ओके, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन के थ्रू ही हम वेन डायग्राम को भी ढंग से समझ सकते हैं। अगर यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में नहीं आया तो फिर वेन डायग्राम समझने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके,